महाराज दिलीप हुए मां गंगा, उन्होंने भी गंगा को लाने का प्रयास किया, लेकिन गंगा स्वर्ग की गंगा जिस दिन इन पृथ्वी लोक में आ जाएगी सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। कई लोगों ने तपस्या की माताओं, लेकिन गंगा नहीं आई। इससे बोलो ठीक है। और इसी के तीसरे पीढ़ी में माता अंशुमान महाराज दिलीप, उसके बाद हुआ भागीरथ। अंशुमान महाराज ने तपस्या की, गंगा नहीं आई। दिलीप महाराज ने तपस्या की, गंगा नहीं आई। और उसी परंपरा का तीसरा बेटा, तीसरे कुल का बेटा माता, इन्होंने तपस्या की, गंगा प्रकट हुई। जिसके किस्मत में, जिनके पुरुषार्थ में गंगा का प्रकट होना लिखा रहता है माताओं, उसी के हाथ में होती है। और यही भागीरथी जैसा बेटा हुआ माताओं, भगवान शंकर की एकाग्र तपस्या करके गंगा को माताओं आगे आगे भागीरथी, तो पीछे पीछे कल कल चंचल की धार, हिमालय की गंगाओं से, गुफाओं से, जैसे जैसे भागीरथी आगे आगे दौड़ते जाए, पीछे पीछे गंगा कल कल छल छल करती हुई चली आई। और जैसे उसके पूर्वजों के हड्डी के ऊपर पड़ा, सारे पूर्वजों का उद्धार हो गया। और आज ना जाने कितने करोड़ों जीव का रोज उद्धार कर रही है, ऐसी गंगा अवतरण की कथा है। माताओं ये गंगा याद रखना, ये राम नाम की गंगा है, कृष्ण नाम की गंगा है। और कैसी गंगा है? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। और ये गंगा भी याद रखना मेरे भाई, अभिमान में मत रहना कि पैसा है तो कभी भागवत गंगा प्रकट कर लूंगा। बिल्कुल ये ईगो मत पालना, पैसे का घमंड मत रखना। दुनिया में अनुभव करके देखना, ये गंगा भी भागवती गंगा, कलिकाल की गंगा भी याद रखना। हजारों हजारों में कोई कोई भागीरथी जैसा बेटा होता है, उन्हीं के हाथ में गंगा दी। और नहीं तो धन का अगर मत कर रहे तो दुनिया में देख लो, करोड़ों करोड़ों धन दौलत का मालिक है इंसान। आज रोज इंसान गंगा जा रहा है। आज तो विज्ञान का युग है मेरे भाई, आदमी रायपुर से फ्लाइट पकड़ रहा है, 1.5 घंटे में प्रयागराज पहुंच जा रहा है। दिन भर काम करने के बाद होटल में रुक रहा है, शाम को फिर प्रयागराज से फ्लाइट पकड़ रहा है, 1.5 घंटे में वापस रायपुर के रायपुर आ जा रहा है। आदमी रोज प्रयागराज जा रहा है, करोड़ों धन दौलत का मालिक है, फ्लाइट से रोज जा रहा है, रोज आ रहा है, रोज प्रयागराज जा रहा है। लेकिन देखना उस इंसान के जीवन में माताओं, प्रयागराज जाने के बाद भी होटल का ही बाथरूम नसीब है, गंगा जी का पवित्र जल डुबकी लगाना नसीब नहीं है माताओं। रोज प्रयागराज जा रहा है, लेकिन माया का प्रभाव इतना है, धन का प्रभाव इतना है कि होटल के पानी से, बाथरूम से नहा करके वापिस रायपुर आ जाता है, लेकिन त्रिवेणी संगम गंगा जी का जल डुबकी लगाने का टाइम ही नहीं है। अरे नसीब में ही नहीं है। तो जीवन में याद रखना मेरे भाई, धन से ही संभव नहीं, ये गंगा कब आती है याद रखना। भागीरथी के पूर्वजों ने भी बिहार के लिए बुलाया, गंगा दिया। और प्रकट होती कब है याद रखना, स्वयं का पुरुषार्थ और भगवान ऊपर वाले की कृपा। और तीसरा होता है मेरी माताओं, पूर्वजों का आशीर्वाद। और ये तीनों चीज कौन कौन से चीज, ऊपर वाले भगवत की कृपा, स्वयं का पुरुषार्थ, और तीसरा जिस कुल खानदान में पैदा लिए हो वो पूर्वज अर्थात स्वर्गीय माँ बाप दादा दादी उनका आशीर्वाद। और तीनों जब